एक चीज जान ले कि इबादत की बहुत सारी किस्में हैं, उसमें से एक किस्म है बदली इबादत, जिसको इबादत बदलिया कहा जाता है। बदली इबादत का मतलब यह है कि वो इबादत जिसको करने के लिए आदमी अपने जिस्म को लगाता है, जिस्म के आहसा का इस्तेमाल करता है। और बदली इबादत में सबसे अफसल इबादत जो है वो नमाज है। दूसरी किस्म है माली इबादत। माली इबादत का मतलब यह है कि वो इबादत जिसमें आदमी माल खर्च करता है, माल के जरिए से जो इबादत की जाती है उसको माली इबादत कहते हैं। और माली इबादत में सबसे अफजल इबादत है ज़कात। तीसरी किस्म है इबादत बदनिया व मालिया, यानी ऐसी इबादत जिसको करने के लिए आदमी को जिस्म के आज़ा को भी लगाना है, जिस्म के हिस्सों को भी इस्तेमाल करना है और माल भी खर्च करना है। और इस किस्म की सबसे अफजल इबादत जो है वो हज है, जिसमें आदमी को पैसा भी खर्च करना पड़ता है और साथ ही साथ जिस्म भी लगाना पड़ता है, जिस्म के आज़ा को इस्तेमाल करना पड़ता है। इन तीन किस्मों में एक किस्म जो है माली इबादत, इसके ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू मैं करने की कोशिश करूँगा। माली इबादत में तो एक ज़कात हो गया जो सबसे अफजल है, और ऐसे ही अमूमी तौर पर सदका व खैरात। इस ताल्लुक से कुछ अहम बातें मैं सिर्फ हदीस पढ़ूंगा और उसका तर्जुमा और उसकी तशरीह करके बात को खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहली चीज ये जान ले, एक शुबहा या कह लीजिए कि एक सवाल और उसका जवाब। हमारे समाज में लोग ये बोलते हैं कि हम मेहनत करते हैं, माल कमाते हैं, अब ये माल मेरा हो गया। हम मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं और उसके बाद हमें माल मिलता है तो ये माल मेरा हो गया। ये लोगों का अपना नजरिया है कि माल मेरा है, लेकिन हकीकत ये है कि मजाजी तौर पर वो माल आपका है, लेकिन हकीकी तौर पर वो माल आपका नहीं बल्कि अल्लाह का है। इसकी दलील जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है वो आयत करीमा है, अल्लाह ने फरमाया वआतूहुम मिम्माल्लाहिल्लज़ी आताकुम। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह कह रहा है वआतूहुम, आए लोगो तुम दो, तुम खर्च करो। खर्च किस चीज को करना है? मिन मालिल्लाह, अल्लाह के माल को खर्च करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अपने माल को खर्च करो, अल्लाह ने ये कहा वआतूहुम मिन मालिल्लाह, आए लोगो तुम अल्लाह के माल को खर्च करो। और अल्लाह का कौन सा माल? अल्लज़ी आताकुम, जो उसने तुम्हें दे दिया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि आए लोगो तुम अपने उस माल को खर्च करो जिसको तुमने कमाया है और वो माल तुम्हारा हो गया, ये नहीं कहा। अल्लाह ने ये कहा कि तुम अल्लाह के उस माल को खर्च करो जो अल्लाह ने तुम्हें दे दिया। इस आयत करीमा में अल्लाह ने माल की निस्बत अपनी तरफ की, बंदों की तरफ नहीं की है। पता ये चला कि माल पूरा का पूरा अल्लाह का है, चाहे वो माल हमारे हाथ में हो चाहे ना हो। अगर वो माल हमारे हाथ में है वो भी अल्लाह का। मजाजी तौर पर तो हम ये कह सकते हैं कि ये माल मेरा है, लेकिन हकीकत में ये आयत करीमा बता रही है कि माल अल्लाह का है, आपके हाथ में है तो भी अल्लाह का है। और जो माल अल्लाह ने आपको नहीं दिया है, जिस माल के ऊपर आपकी कोई इजारादारी नहीं है, वो बदरजे औला आपका हो ही नहीं सकता। तो एक शुबहा जो हमारे समाज में है कि माल मेरा है, उसका जवाब यह है कि माल आपका नहीं, माल पूरा का पूरा अल्लाह का है। अगर चाहे कमा आप रहे हैं, अगर ये मेहनत आप कर रहे हैं, अगर ये दिन रात पसीना आप बहा रहे हैं, लेकिन माल हकीकत में अल्लाह का ही है। इसलिए अल्लाह के माल में खर्च करो, आतूहु मिन मालिल्लाह, अल्लाह के माल को खर्च करो। अल्लज़ी आताकुम, जो उसने तुम्हें दे दिया। एक और चीज ज़कात के ताल्लुक से, ज़कात तो उसी वक्त आदमी के ऊपर फर्ज होता है जब वो निसाब को पहुंच जाए, यानी ज़कात का जो निसाब है जब उतना पहुंच जाए और उस पर एक साल गुजर जाए। लेकिन ज़कात के ताल्लुक से, उसकी अहमियत के ताल्लुक से एक अहम बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ज़कात का जिक्र 82 बार किया है। 82 बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ज़कात का जिक्र किया, ये कहा कि तुम ज़कात दो।
कहीं ये कहा कि मोमिनों की निशानी ये है कि अल्लाह के रास्ते में ज़कात देते हैं, कहीं ये फरमाया कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कहीं ये फरमाया कि अल्लाह के जो मुत्तकी बनते हैं वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। 82 बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ज़कात का जिक्र किया, और आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह कुरान मजीद में किसी चीज का जिक्र एक बार कर दे, किसी चीज के बारे में अल्लाह ने एक बार कह दे कि ये काम करो या ये काम ना करो तो वो काफी हो गया। एक बार अगर अल्लाह कह देगा कि ज़कात दो, तो ज़कात की अहमियत के लिए, उसकी अजमत के लिए, उसकी फजीलत के लिए ये बात काफी थी कि ज़कात बहुत अहम इबादत है क्योंकि अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में किया। लेकिन अल्लाह ने एक बार नहीं, 82 बार कुरान मजीद में ज़कात का जिक्र किया है। ये इस बात की दलील है कि ज़कात बहुत अहम इबादत है, लेकिन आज इस इबादत में हम बहुत गफलत कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर ज़कात वाजिब होती है मगर वो उसमें ज़कात नहीं अदा कर रहे हैं, या उसके अंदर हीला इख्तियार कर रहे हैं, कोई ऐसा तरीका अपनाते हैं कि वक्त आने से पहले वो माल इधर से उधर हो जाता है और उसके बाद ये कहते हैं कि ज़कात हमारे ऊपर नहीं है क्योंकि वो माल अब मेरे हाथ में नहीं रहा, वो किसी और के हाथ में चला गया। 82 बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात का जिक्र किया, जो इस बात की दलील है कि ज़कात बहुत अहम इबादत है, और माली इबादत में सबसे अफजल इबादत वो ज़कात ही है। एक हदीस ताल्लुक से देख रहे ज़कात के ताल्लुक से, ज़कात इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान है उसमें से एक रुकन है। وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله وصوم رمضان. رواه البخاري في كتاب الإيمان. الله کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادتین کا اقرار کرنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکات دینا، چوتھے نمبر پر حج بیت اللہ، اور پانچویں نمبر پر رمضان کا روزہ۔ یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں جس پر پورا اسلام ٹکا ہوا ہے۔ اب کوئی آدمی ان 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن کا اگر ممکن ہو گیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو، کسی ایک رکن کا اگر وہ ممکن ہو جائے، کسی ایک رکن کا اگر وہ انکار کر دے، किसी एक चीज को अगर वो छोड़ दे और वो ये कहे कि मैं ये चीज नहीं करूंगा तो वो इस्लाम से खारिज है, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये ज़कात की अहमियत पर बहुत बड़ी दलील है कि ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। ये तो ज़कात की बात है। उमूमी तौर पर सदका व खैरात करना जरूरी नहीं कि हम में से हर आदमी के पास इतना माल हो जाए उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाए। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास माल तो है लेकिन इतना नहीं है उन पर ज़कात फर्ज, लेकिन माल है, अल्लाह ने इतना माल दिया है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन खा सकते हैं, इतना माल दिया है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन पहन सकते हैं, इतना माल दिया है कि वो बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। उसके बाद भी ऐसे लोग हैं हमारे समाज में कि जिंदगी बेहतरीन गुजर रही है लेकिन वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उसके बाद भी वो माल कितने हरीस होते हैं उसको बचा बचा के रखते हैं। इस ताल्लुक से एक हदीस बहुत अहम है, आप उसको समाप्त करें। وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط مكسكا طرفا. رواه مسلم في كتاب الزهد والرقاب. بہت اہم حدیث ہے، ہر آدمی اس حدیث کو سنے اور سمجھے اور اس حدیث کو یہاں سے لے کر کے جائے، بہت اہم حدیث ہے اور وعید ہے اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، اپنے مالوں کو بچا بچا کر کے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ ہر دن صبح کے وقت ما من یوم یصبح العباد فیہ، روزانہ صبح کے وقت ہر روز ملکان ینزلان، دو فرشتے اترتے ہیں، ہر روز کا یہ معمول ہے۔ ما من یوم یصبح العباد فیہ، روزانہ دو فرشتے اترتے ہیں، کیوں اترتے ہیں؟ ایک فرشتہ اتر کر کے یہ بول رہا ہے وَيَقُولُ أَحَدُهُمَا
उन दोनों फरिश्तों में एक फरिश्ता ये दुआ करता है, अय अल्लाह अल्लाहुम्मा आती मुनफिकल सदका, अय अल्लाह तेरा जो बंदा तेरे रास्ते में खर्च करता है तो उसके माल को बढ़ा दे। दो फरिश्ते उतरते हैं, एक फरिश्ता ये दुआ करता है कि अय अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च करता है तो उसके माल को बढ़ा दे। वयकूलुल आखर, और दूसरा फरिश्ता बोलता है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन तलफन, अय अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च नहीं करता है, अपने माल को रोक करके रखता है, तेरे दिए हुए माल को वो तेरे रास्ते में खर्च नहीं करता है, अय अल्लाह तू उसके माल को बर्बाद कर। अब देखिए दो फरिश्ते, एक फरिश्ता दुआ दे रहा है, दूसरा फरिश्ता पर दुआ दे रहा है, और ये काम रोजाना हो रहा है, ये एक दिन नहीं रोजाना ये काम हो रहा है। अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन तलफा, एक फरिश्ता बोलता है कि अल्लाह माल बढ़ा दे तू तेरे रास्ते में खर्च कर रहा है, दूसरा फरिश्ता ये बोलता है कि ऐ अल्लाह तू उन लोगों के माल को हिलाक कर दे, तबाहो बर्बाद कर दे जो तेरे माल को तेरे रास्ते में खर्च नहीं करते, बचा बचा के रखते। अब इस हदीस पर गौर कीजिए, इस हदीस पर रुक करके इस पर गौर कीजिए। कुछ लोग ये बोलते हैं दो फरिश्ते तो आते हैं, एक दुआ दे करके जाता है, एक बद्दुआ दे करके जाता है, लेकिन कहीं दिखाई तो नहीं देता है। ऐसे लोग हमारे समाज में जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, अल्लाह ने बोल दिया अगर फरिश्ता बद्दुआ दे करके जा रहा है तो अल्लाह उसके माल को बर्बाद क्यों नहीं करता, अल्लाह उसके माल को तबाहो बर्बाद क्यों नहीं करता अगर रोजाना फरिश्ता बद्दुआ देकर। और आपको मालूम होना चाहिए फरिश्ते या अल्लाह के नूरानी मखलूक, इनके दुआ की कबूलियत के बारे में दर्रा बराबर शको शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फरिश्ता दुआ दे करके जाए और अल्लाह उसे कबूल ना करे, या फरिश्ता बद्दुआ दे करके जाए और अल्लाह उसे कबूल ना करे। अल्लाह रोजाना उनकी दुआ और उसकी उस दूसरे फरिश्ते की बद्दुआ को कबूल करता है। अब ये तो सुबह हमारे जहन में आता है कि बहुत सारे लोग हैं, माल है, अगर फरिश्ता बद्दुआ दे करके जा रहा है, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते तो उनका माल बर्बाद क्यों नहीं हो रहा है, उनके पास तो रोजाना माल बढ़ रहा है, रोजाना उनके माल में इजाफा होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए इन शारहीन ने जिन्होंने इस हदीस की शरह की उन्होंने लिखा है, इस हदीस का मतलब तो ये है कि अय अल्लाह तो उसके माल को बर्बाद कर दे, इसका एक मतलब तो ये है कि जो माल उसके हाथ में है उसको हिला कर दे, उसके छीन ले। दूसरा मतलब ये है कि जो माल उसके हाथ में है उस माल के बर्बाद होने का कोई जरिया कोई रास्ता तो निकाल दे। मसलन मैं एक मिसाल से समझाऊं, आदमी के पास बहुत पैसा है, खाने के दस्तरखान पर बैठा है, मुख्तलिफ किस्म के खाने उसके सामने मौजूद है, आप कहिए कि भाई ये एक बेहतरीन डिश है आप इसे खाइए, वो कहता है कि डॉक्टर ने खाने से बनाया, ये है माल बर्बाद। अल्लाह ने आपको माल दिया है, करोड़पति गए, लखपति गए, बंगलों में रह रहे हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं, इतना पैसा आपके पास है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन खाना खा सकते हैं, आप दस्तरखान पर बैठे हैं, मुख्तलिफ किस्म के खाने मौजूद है, आदमी बोल रहा है कि खाइए जनाब, आपके जबान से जुमला निकलता है कि मैं नहीं खा सकता, डॉक्टर ने मना कर दिया, मुझे फला बीमारी, अगर मैंने ये खा लिया तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी। अल्लाह आपके माल को बर्बाद कर रहा है, फरिश्ते की बद्दुआ कबूल हो रही है उस आदमी के ताल्लुक से कि जिसके पास माल है मगर वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर रहा है, फरिश्ता रोजाना बद्दुआ लेकर के जा रहा है, उसकी बद्दुआ कबूल हो रही है, अल्लाह ने आपको बेहतरीन से बेहतरीन खाना खाने से रोक दिया, ये है आपका माल बर्बाद होने का एक जरिया, एक तरीका। एक और चीज, एक मिसाल से समझिए, आदमी के पास बहुत माल है, अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी दे दी कि जो माल जो पैसा आता वो बीमार दवा पे ही खर्च हो रहा है, ये भी माल की बर्बादी का एक जरिया एक तरीका है, अल्लाह ऐसे भी माल बर्बाद करता है कुछ लोगों का। और भी बहुत सारे तरीके, अल्लाह माल दे रहा है तो बेटे को बीमार कर दिया, कभी बीवी को बीमार कर दिया, कभी माँ को बीमार कर दिया, कभी बेटी को बीमार कर दिया, बेटे घर में किसी ना किसी फर्द को किसी ऐसी तकलीफ में मुब्तला कर दिया कि जो पैसा आ रहा है वो पैसा वहां दवा पर इलाज पर जा रहा है। तो जरूरत इस बात की है, यह हदीस हमें बता रही है कि अल्लाह ने जो माल दिया है उस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। एक मसला यह है, इस हदीस से तो यह मालूम है
और दूसरा मसला ये मालूम है कि रोजाना कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, रोजाना का ये मामूल बना लो चाहे 10 रुपया क्यों ना, क्योंकि रोजाना एक फरिश्ता जहां पर दुआ दे करके जाता है वही दूसरा ये दुआ दे करके जा रहा है कि अय अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च करे उसके माल को बढ़ा दे। रोजाना आप कुछ ना कुछ खर्च करके अल्लाह के रास्ते में उस फरिश्ते के दुआ के मुस्तहिक बन जाइए ताकि आपके माल को अल्लाह और बढ़ा दे। दो अहम मसले इस हदीस से मालूम हुए, एक मसला तो ये कि अल्लाह ने जो माल दिया है उस माल को खर्च करो, दूसरा मसला ये कि रोजाना कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करो ताकि फरिश्ते की दुआ के आप मुस्तहिक बन सको। एक और हदीस यहीं पर रुक करके आप देखिए, आदमी दिन भर चिल्लाता है मेरा माल मेरा माल, दिन भर चिल्लाता है, दिन भर बोलता है, किसी मजलिस में बैठा है तो वहां भी बात होगी ये मेरा माल, दोस्तों के साथ बैठा है वहां भी बोलता है ये मेरी जमीन है, कहीं बैठा है होटल में है वहां ये बात होती है ये मेरा प्लेट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अहम बात बताई ऐसे लोगों के ताल्लुक से जो दिन भर माल 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 करते रहते। वो हदीस देखिए, وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي 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 وانما له من ماله ثلاث: ما اكل فافنى، وما لبس فابلى، وما اعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. رواه البخاري في كتاب الزكاه ورواه مسلم في كتاب الزكاه. امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو کتاب الزکات میں نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس حدیث سے بات کرا بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ بولتا ہے یقول العبد، ایک آدمی دن بھر بولتا مالی مالی میرا مال میرا مال میرا مال، یقول العبد مالی مالی مالی، ایک آدمی دن بھر بولتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، دن بھر اس کے ذہن و دماغ میں مال ہی چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وانما له من ماله ثلاث، آدمی کا حقیقت میں مال صرف تین ہی ہے. آدمی کے پاس لاکھ پیسہ ہو جائے کروڑوں روپے کا وہ مالک بن جائے، حقیقت میں وہ اس مال سے صرف تین ہی طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. وہ تین طریقے کون سے؟ ما اکل، جو آدمی کھا لے وہ اس کا مال. آپ کتنا ہی پیسہ کیوں نہ کمائے، آپ کروڑوں روزانہ کما رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کا مال کون سا ہے؟ ما اکل، جو آپ نے کھا لیا. اچھا کھا لیا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فافنا، کھایا ختم ہو گیا، یہ آدمی کا مال. آدمی جو کھا لے وہ اس کا مال ہو گیا. وما لبس فابلى، اور جو پہن لے وہ آدمی کا مال. اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وما لبس فابلى، پہن لیا پرانا ہو گیا خراب ہو گیا پہن لیا، اس کا فائدہ تھوڑی دن کے لیے چند مہینوں کے لیے ملا، پرانا ہو گیا پھینک دیا فائدہ ختم. لیکن تیسری جو چیز بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما اعطى، جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کے بارے میں فرمایا فقتنا، یہ اس کا حقیقی مال ہے کیونکہ یہ اس کے لیے اسٹور ہو گیا، یہ فرشتوں کے رجسٹر میں درج ہو گیا، اس کا ثواب اب اس کو پہنچتا رہے گا. جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا فقتنا، وہ اس کے لیے جمع ہو گیا، یہی اس کا حقیقی مال. آدمی اپنے مال سے تین طریقے سے فائدہ اٹھاتا، کھا کر کے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن کھانے کے بعد وہ ختم، پہن کر کے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن پہننے کے بعد ختم، تیسرا جو طریقہ ہے اپنے مال سے فائدہ اٹھانے کا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آپ فائدہ اٹھائیے اپنے مال سے، کیونکہ جو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے وہ آپ کے لیے ذخیرۂ آخرت بن جائے گا، وہ آخرت کا توشہ آپ کے لیے بن جائے گا، وہ آپ کے لیے اسٹور ہو جائے گا، فرشتوں کے رجسٹر میں وہ درج ہو جائے گا، اس کا فائدہ آپ کو برابر ملتا ہے. اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما سوا ذلك، ان تین قسموں کے علاوہ جو طریقے آدمی بولتا ہے فائدہ اٹھانے کے مال کے، کچھ نہیں. وما سوا اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں فہو داہب و تارک و للناس،
यही तीन तरीका है अपने माल से फायदा उठाने का, इसके अलावा कोई चौथा तरीका है ही नहीं। चौथा तरीका ये है कि मर गया, माल छोड़ करके चला गया, अब उसके बच्चे उसके वर्षा उसको आपस में बांट लेते हैं। इन तीन किस्मों के अलावा कोई चौथा तरीका है ही नहीं अपने माल से फायदा उठाने का। मर गया तो अब उसका वो माल उसके साथ नहीं जाता है, अब उसका वो माल उसके वर्षा में तकसीम हो जाता, अब उसका वो माल उसके बच्चों में, उसके बच्चियों में, उसके बहनों में, उसके जो वालिदैन है उसमें तकसीम हो जाता है। तो माल से अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं अपने माल से, तो उसका सबसे बेहतरीन जरिया जो इस हदीस पाक में बताया गया है वो है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। तो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च, ये जो वक्त चल रहा है, जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह का कहर है हमारे ऊपर, हर आदमी को इससे इबरत लेनी चाहिए। मसला ये है कि हम इबरत नहीं ले रहे, मसला ये है कि हम इस चीज को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। नजरिया जो भी है हमें इबरत लेनी चाहिए, ये कौन सी मुसीबत है, ये कौन सी परेशानी है, ये कौन सी बला है जिसमें अल्लाह ने हमको गिरफ्तार कर दिया, ये कौन सी बीमारी है जो बीमारी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। ऐसे माहौल में आप अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए, आप सदका व खैरात ये मुसीबतों को खत्म करने का एक अहम जरिया है। अपनी मस्जिदों में खर्च कीजिए। आप देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा मार पड़ी है तो हमारे मसाजिद पर और हमारे मदारिस पर और हमारे उलमा। ये मसाजिद इस्लाम के चराग है, ये मदारिस इस्लाम के कलए हैं। और आप ये बात नोट कीजिए कि जिस दिन ये मदारिस और ये मसाजिद मिट जाएंगे, इस्लाम मिट जाएगा, इस्लाम का नाम लेना कोई बाकी नहीं रहेगा। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए मदारिस के अंदर पढ़ाने वाले उलमा का, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने मस्जिद में मौजूद अइम्मा का कि वो आपको नमाज पढ़ाते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, आपको इस्लाम का सीधा रास्ता बताते हैं, आपको जन्नत और जहन्नम का रास्ता बताते हैं, आपको जहन्नम से बचाने की कोशिश करते हैं। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए उनका, उनका एहतराम करना चाहिए। ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में बढ़ चढ़ कर उनका साथ देना चाहिए, उनका तआवुन करना चाहिए। आप गौर कीजिए कि 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल से एक आदमी आपकी मस्जिद में इमामत कर रहा है, ऐसा वक्त आ चुका है, ऐसे वक्त में आप उनका साथ नहीं देंगे, कौन साथ देगा। बाद मसाजिद के बारे में तो ये भी सुनने में आया कि लॉकडाउन हुआ तो इमाम साहब को निकाल दिया गया, तो उलमा का एहतराम नहीं। जो आदमी आपको 5 साल से 10 साल से नमाज पढ़ा रहा हो, मुसल्ले इमामत पर आपके आगे रह रहा हो, वो आपका अमीर है, वो आप उनका एहतराम कीजिए। इन उलमा अवरथत अंबिया, ये वारिसीन अंबिया है, मीरास अंबिया की अगर चाहिए तो आपको इनके पास आना होगा। और अंबिया वरासत में माल देकर नहीं जाते, दौलत छोड़ करके नहीं जाते, वरासत में अंबिया दीन छोड़ करके जाते हैं, इल्म छोड़ करके जाते हैं। ये इल्म, ये दीन आपको अगर चाहिए तो रोड पर नहीं मिलेगा, आप पैसे से नहीं खरीद सकते, आप जमीनों जायदाद देकर के नहीं खरीद सकते। आपको दीन चाहिए, सीधा दीन चाहिए, सच्चा दीन चाहिए, इस्लाम का इल्म चाहिए, तो आपको इन उलमाए उम्मत के पास आना होगा, वालिदीन अंबिया के पास होगा, जिनके पास अंबिया की वरासत मौजूद है, ये आपको अंबिया की वरासत देंगे, यहां वरासत अंबिया बढ़ती है। तो सबसे बेहतरीन रास्ता माल से फायदा उठाने का इस हदीस की रोशनी में ये है कि आप अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए। एक दो हदीस और बयान करके बात खत्म करता हूं। रमजान का महीना आ रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था, वैसे तो आप हर महीने में सखावत, आपकी सखावत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि आपके दरवाजे पर अगर साइल आ गया तो वो खाली नहीं लौटता, घर में जो है उठा करके हाजिर कर दिया। ये नहीं देखा कि अगर दे दूंगा तो बाद में मैं क्या खाऊंगा, ये नहीं देखा कि अगर मेरे घर में जो मौजूद है, जो चीज साइन दरवाजे पर खड़ा है, अगर वो चीज मैंने उठा करके दे दिया तो मेरी बीवी क्या खाएगी,
टूटा, आपने उठा करके उसे दे दिया। नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कभी साइड वापस नहीं लौटा। लेकिन जब रमजान का महीना शुरू हो जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और बढ़ जाती थी। रमजान का महीना आने वाला है, हम अपनी नीयतों को साफ करें, हमारी सखावत में इजाफा होना चाहिए ताकि नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हो सके। और अमल के मैदान में अब हमें आगे आना चाहिए, अमली मैदान में हमें आगे आना चाहिए। हो सके हमारी बदअमलियों का नतीजा हो कि ये बीमारियां ये परेशानियां हमारे ऊपर अल्लाह ने मुसल्लत की, अमली मैदान में हमें आगे आना चाहिए। तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत माह रमजान में और बढ़ जाती है। वो हदीस आप देखिए, वहां इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود حين يلقاه جبريل في رمضان وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس إلى المسلم مرسلا رواه البخاري في كتاب الوحي. حضرت عبد الله بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں، دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے معاملے میں سب سے زیادہ صدقے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالصدقہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی کوئی پیدا بھی نہیں ہوا اور کوئی پیدا بھی نہیں ہو سکتا. آپ کی سخاوت کی تو مثال دی جاتی ہے، آپ کی سخاوت دیکھ کر کے کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. ایک دیہاتی اس بات سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بانٹنے لگتے ہیں تو اتنا بانٹ دیتے ہیں، اتنا بانٹ دیتے ہیں کہ ان کو اس بات کا بھی ڈر نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو میں اسے کیا کھاؤں گا کیا پیوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے مثال قائم کی ہے خرچ کرنے، آپ کی سخاوت سے متاثر ہو کر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، خیر کے معاملے، بھلائی کے معاملے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے معاملے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی. اور یہ سخاوت آپ کی رمضان میں اور بڑھ جاتی ہے. جبریل، جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں آپ سے ملاقات کرتے تھے، آپ کی ملاقات رمضان کے مہینے میں جب حضرت جبریل سے ہوا کرتی تھی تو یہ سخاوت آپ کی اور بڑھ جاتی ہے. اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلہ من رمضان، رمضان کے ہر رات میں، ہر رات میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے تھے اور مل کے کیا کرتے تھے، فیدارسہ القرآن، قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن سنایا کرتے تھے حضرت جبریل کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے یہاں پر ایک مسئلہ نکالا ہے وکانا جبریل یلقاہ من کل لیلہ، رمضان کی ہر رات میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جبریل سے ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے حضرت جبریل کو، قرآن کا مدارسہ کیا کرتے تھے. علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو رات والا جو وقت ہوتا ہے اس میں آدمی کو کثرت کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے، رات کا حصہ بہت اہم ہے رمضان، آدمی رات کے حصے کو خاص کر لے اللہ کے لیے، تہجد کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، نوافل کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، دعا کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے خاص کر لے. رمضان کے اندر جو رات ہوتی ہے اس رات کا ایک حصہ وہ اللہ کے لیے خاص کر لے. اور جب حضرت جبریل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر من الريح مرسلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہو جاتے تھے جس طرح تیز ہوا ہوتی ہے، اگر آدھی چلے تو کوئی آدمی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کی اسپیڈ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ماہ رمضان میں ایسے بڑھ جاتی تھی گویا کہ ایک تیز ہوا چل رہی ہو، آپ اتنے سخی ہوتے تھے کہ جو ہاتھ میں آیا اللہ کے راستے میں خرچ کر، جو ملا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر. آپ کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی، رمضان سے پہلے بھی آپ سخی تھے، آپ سخاوت کرتے تھے لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا. تو رمضان کا مہینہ آ رہا، گزشتہ سال کے رمضان سے تو ہم محروم ہو گئے، ہم تو گھر میں ہی قید رہے گئے، مساجد سے دور ہو گئے،
लेकिन इस साल दुआ करें कि अल्लाह हमको मसाजिद से दूर ना करे, दुआ करें कि अल्लाह ने हमको मसाजिद से दूर ना करे, दुआ करें कि अल्लाह ये रमजान हम इंतहाई जोश और खरोश के साथ, इस रमजान में तेरी इबादत इंतहाई जोश और खरोश के साथ करेंगे, इस रमजान में हम तेरे रास्ते में बहुत ज्यादा खर्च करेंगे, इस रमजान में हम और इबादत करेंगे, गुज़िश्ता साल की भरपाई करेंगे इस रमजान में, अल्लाह से दुआ करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर वो दिन हमारे ऊपर पड़ता है, हम फिर मसाजिद से दूर, आप दुआ करें अल्लाह से। तो ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के ताल्लुक से कुछ बातें थी। एक आखिरी हदीस पेश करता हूँ, उसके बाद मेरा वक्त भी खत्म हो जाएगा। वो हदीस उन लोगों के ताल्लुक से है जिनको अल्लाह ने माल दिया है और वो माल खर्च नहीं करते। एक वईद तो उनके लिए ये है कि रोजाना फरिश्ता पर दुआ देकर के जा रहा है, एक वईद तो ये है दुनिया में अल्लाह उसे सजा दे रहा है, और एक वईद कयामत के ताल्लुक से कि कयामत के दिन उन लोगों का अंजाम क्या होने वाला है जो अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। और ये मेरी आखिरी बात है। وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامه فياخذ به زبيبتيه فيقول انا كنزك انا مالك رواه البخاري في كتاب الزكاه. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आता अल्लाह मालन, अल्लाह ने जिसको माल दे दिया, यहाँ माल लगेरा है। अब माल से मुराद सिर्फ रुपया पैसा नहीं है, माल बोल करके रुपया पैसा भी इसमें आ गया, सोना चांदी भी इसमें आ गया, जमीनों जायदाद भी इसमें आ गई, सारी चीजें इसमें शामिल हो गई। मन आता अल्लाह मालन, अल्लाह ने जिसे माल दिया, वो माल चाहे सोने चांदी की शक्ल में दे, चाहे जमीनों जायदाद की शक्ल में दे, चाहे रुपये पैसे की शक्ल में दे, वो माल चाहे जिस शक्ल में हो, अगर अल्लाह ने किसी को माल दिया, माल इतना दे दिया कि उसके ऊपर जकात वाजिब है, जकात वाजिब हो गई, उसका माल निसाब को पहुंच चुका है, उस पर साल गुजर चुका है, जकात वाजिब हो चुकी है, फलम युवती जकात और वो उसकी जकात नहीं देता, उसमें से कुछ निकाल करके अल्लाह के रास्ते में, जो इस्लाम ने मुतय्यन कर दिया 2.5%, उसको निकाल करके अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर रहा है, مُسْتَلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ, उसके इस माल को कयामत के दिन एक गंजे सांप की शक्ल में बनाया जाएगा। ये माल दुनिया में जिसे हम कमा रहे हैं ना, जिसे कमाने के लिए हम हलाल और हराम नहीं देखते, जिसे कमाने के लिए हम दिन रात नहीं देखते, जिसे कमाने के लिए, जिसे पाने के लिए हम पसीना खूब बहा रहे हैं, आपके इस माल को शुजाअन अकरा, एक गंजे सांप की शक्ल में बना दिया जाएगा। और एक नुक्ता बताऊं, अभी इस हदीस की जब मशरा पढ़ रहा था तो उसमें ये मसाला मेरे जहन में आया कि उसे सांप बनाना चाहिए, गंजा सांप क्यों बनाया जा रहा है? सांप बना दिया वो भी सांप हो गया, लेकिन गंजा सांप क्यों बनाया जा रहा है? तो शारहीन ने लिखा है कि अगर सांप गंजा है तो वो ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए आदमी के माल को गंजा सांप बना ले, सिर्फ सांप की शक्ल को उसे तहवील नहीं किया जाए, सांप नहीं बनाया जाए, उसे गंजे सांप की शक्ल में बनाया जाएगा, क्योंकि गंजा सांप जो होता है ये ज्यादा खतरनाक होता है। और क्या किया जाएगा, माल को गंजे सांप की शक्ल में बनाया जाएगा, लहू सभी बतान, उसके दो सीम होंगे जिसको कह लीजिए, जो सांप आपने देखा होगा तो उसके मुंह में दो जबीबे होते हैं, डंक मारने का वो दो इलामत होती है जो निकली हुई होती है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लहू सभी बतान, दो सबीबे होंगे उसके सब, क्या करेगा वो? फाया अकुदु बिली जमतई ही, रेजमा कहते जबड़े को, एक तो ये करेगा उसके दोनों जबड़े को पकड़ेगा, और एक रिवायत में है युतविकुहु यौमल कियामत, उसके गर्दन में उस सांप को लटका दिया जाएगा, वो उसके गर्दन का तौक बन जाएगा, उसके गर्दन में लटक जाएगा उसका वो माल जिसे दुनिया में वो कमाया, जकात वाजिब हो गई, जकात नहीं दिया, उसके गंजे सांप की शक्ल में बना दिया गया, उसका वही माल गंजे सांप की शक्ल में उसके गर्दन में लटक जाएगा, गर्दन का तौक बन जाएगा, हार बन जाएगा उसके गर्दन का, फया खुद पीली हिस्सा मतई ही, और उसके बाद उसके दोनों जबड़ों को पकड़ेगा, उसके दोनों जबड़ों को वो सांप पकड़ेगा। अब आदमी गिरफ्तार हो चुका है, उसके अंदर सांप उसके गर्दन में लटक चुका है,
आदमी कोशिश करेगा कि उसको छुड़ाए, आदमी कोशिश करेगा कि उससे बचे, तो क्या बोलेगा फयकूल। जब आदमी उससे बचने की कोशिश करेगा, उससे दूर भागने की कोशिश करेगा, तो उसका वो सांप बोलेगा आना कंजुका आना मालुका, भाई भाग क्यों रहे हो, दुनिया में तो तुम उससे मोहब्बत करते थे, दुनिया में मेरे खातिर तुमने कितनी परेशानियां उठाई, दुनिया में मेरे खातिर तुमने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, दुनिया में मेरे खातिर तुमने हलाल और हराम में फर्क नहीं किया, दुनिया में मेरे खातिर तुमने बारिश और धूप नहीं देखी, और आज तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो, आज तुम मुझसे जान क्यों छुड़ा रहे हो, आना कंजुका आना मालुका, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा वो माल हूं जिसको दुनिया में तू बचा बचा के रखता था, मैं तेरा वो खजाना हूं जिस पर ज़कात वाजिब हो चुकी थी, मैं तेरा बैंक बैलेंस हूं, ज़कात वाजिब होने के बाद तूने उसमें से ज़कात की अदायगी नहीं की, आना कंजुका आना मालुका, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं, आज तुम उससे भागने की कोशिश कर रहे हो, दुनिया में तुम्हें मुझसे बड़ी मोहब्बत थी, आज तुम्हारी मोहब्बत कहां चली गई, ये हदीस वईद है उन लोगों के तालुक से, ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ज़कात वाजिब होने के बाद ज़कात की अदायगी नहीं कर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हमारा माल हमारे लिए गंजे सांप की शक्ल में हो जाए और फिर हमारे गर्दन का टोक बन जाए और हमारे जबड़ों को पकड़े और हमें डसे हमें डंक मारे, हमें डरना चाहिए, तो जरूरत इस बात की है मेरे भाइयों कि हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, खर्च करने के बहुत सारे जरिए हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उमूमी तौर पर देखा जाए इस वक्त तो आप अपनी मसाजिद में खर्च करें, अपने मदारिस में खर्च करें, उलमा का ध्यान दें, ये हमारे किले हैं, ये इस्लाम के ताज है, इस्लाम इनसे है, हमारे इस्लाम की पहचान मसाजिद से होती है, इस्लाम की पहचान मदारिस से होती है, आप में और गैर में कोई फर्क नहीं अगर आप रोड पर चल रहे हैं, लेकिन अगर आप मस्जिद में दाखिल हो तो सामने वाला जान जाता है कि मुस्लिम है, इस्लाम का फॉलो करने वाला है, ये इस्लाम को मानने वाला है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब है, नबी से मोहब्बत करने वाला आदमी है, दलील ये है कि ये मस्जिद में जा रहा है, दलील ये है कि ये पंच वक्त नमाजी है, मस्जिद में जाकर के अपने रब के सामने सजदा कर रहा है, ये मसाजिद से हमारी पहचान होती है, मदारिस से हमारी पहचान होती है, उलमा से हमारी पहचान होती है, आप इन जगहों पर खुसूसी तौर पर खर्च करें, लेकिन ये जगह इस वक्त हमारे खुसूसी ताउन के मुस्तहिक है, खुसूसी ताउन के मुहताज है, अल्लाह से दुआ करें कि इलाहुल आलमीन तू कही गई बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा, इलाहुल आलमीन हमें से जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, इलाहुल आलमीन जो हमें से जा चुके हैं या इस बीमारी की वजह से जो वफात पा चुके हैं, इलाहुल आलमीन तू चीज को उनके लिए निर्मल बदल बना और इस चीज को उनके लिए मफरत का जरिया बना लें, रब्बा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता अस्समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंता अत्तवाबुर रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। Thank you.